हेलो माय वेरी डियर एंड ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, यू आर सो वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। एंड आज हमारी स्टार्ट होने वाली है एक नई जर्नी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का सिलेबस, ठीक है। और हमेशा से ना फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर पे जाया जाता है, बट आई डिसाइडेड कि हम लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। यू नो, नीचे से ऊपर जाने का मज़ा ही अलग होता है, क्यों नहीं। और दूसरी बात, मुझे लगता है जो मेरा मेन रीज़न, दो रीज़न्स, पहला रीज़न कि जब तक हम लास्ट चैप्टर पे आते हैं ना, हमारी वैसे ही एनर्जी ख़त्म हो चुकी होती है। और बायोटेक्नोलॉजी ऐसा चैप्टर है जिसके के 10 मार्क्स की वेटेज है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, एंड इस बार तो नीट के अंदर उसके 7 से 8 क्वेश्चंस आ गए। जो हमेशा से 3 से 4 क्वेश्चंस रहते थे, इस बार एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक था बायोटेक्नोलॉजी, राइट। सो क्या पता अगले साल वो और क्वेश्चंस दे दे और यही ट्रेंड फॉलो हो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें स्टूडेंट्स को ना हमेशा थोड़ा डर रहता है, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस रहती हैं। सो आई थॉट आई विल स्टार्ट दिस न्यू जर्नी विद द चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बचपन में ना मैथ्स पढ़ते हुए हमें हमेशा लगता था कि पढ़ने की ज़रूरत क्या है, ज्योमेट्री क्यों पढ़नी है, यूज़ कहाँ हो रही है। तो मुझे लगा कि बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ने से पहले हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस की, यूज़ कहाँ पे होती है, इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे कैसे कैसे ये हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर रही है बायोटेक्नोलॉजी। और फिर उन एप्लीकेशंस को पढ़ने के बाद, जिनमें से कि क्वेश्चंस भी बहुत सारे आए हैं, वी बी प्रैक्टिसिंग ऑल द क्वेश्चंस आफ्टर एवरी क्लास, आफ्टर एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे एप्लीकेशंस करने के बाद हम देखेंगे कि ये सब किया कैसे जाता है, ठीक है। तो पहले लेट्स जस्टिफाई कि क्यों हमने पढ़नी है बायोटेक्नोलॉजी, कैसे वो हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर रही है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस न्यू जर्नी विद दिस चैप्टर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज टीना चोपड़ा, योर जूलॉजी मेंटर, ठीक है। एंड यस, I have done master's honors from Punjab University, Chandigarh, and I have taught at various institutes and produced lots of ranks. अब अपनी और कितनी तारीफ करूँ, बाकी तुम्हें खुद पता लग जाएगा मेरे बारे। जस्ट स्टे ट्यून्ड, कीप अटेंडिंग ऑल द क्लासेस गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट 2021 ज़्यादा दूर नहीं है, वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 6 months, सो वी नीड लॉट्स ऑफ सीरियसनेस ऑल्सो, ठीक है। बट सीरियसनेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमें शक्ल सीरियस रख के पढ़नी है, थोड़े से मज़े भी करेंगे, क्लास में एक्टिविटीज़ करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कि तुम्हें चीज़ें याद करने में हेल्प करेगी, निमोनिक्स बताए जाएंगे, ठीक है, और फ्लो चार्ट्स के हेल्प से चीज़ें पढ़ेंगे। आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से चैप्टर के कैसे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपने अपने पास अभी एनसीईआरटी नहीं रखी तो पॉज करो वीडियो को और जल्दी से अपनी एनसीईआरटी उठा के लाओ। एनसीईआरटी शुड बी राइट इन फ्रंट ऑफ यू। क्लास में एनसीईआरटी एक साथ पढ़ेंगे। जब हम बार बार कहते हैं कि पेपर एनसीईआरटी से आना है, एनसीईआरटी इज़ द बाइबल, तो क्लास में एनसीईआरटी बेस्ड ही स्टडी होगी। अगर आप साफ साफ लिख सकते हैं तो नोट्स बेशक एनसीईआरटी पे बना लीजिएगा, ठीक है, लेकिन एक कॉपी ज़रूर रख लीजिए, सो दैट यू कैन राइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड द फ्लो चार्ट्स दैट आई विल बी ड्रॉइंग इन द क्लास, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के जो नोट्स हैं ना, वो सारे फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में बन जाने हैं। एक बार पढ़ेंगे जरूर हम बायोटेक्नोलॉजी को साथ साथ फ्रॉम एनसीईआरटी। आई बी मेकिंग यू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट लाइंस इन द क्लास इटसेल्फ, उसके आसपास कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से अपनी एनसीईआरटी उठा लीजिए, ठीक है, हाइलाइटर है तो वो उठा लीजिए, स्टिक ऑन नोट्स हैं वो ले लीजिए, और कॉपी रख लीजिए अपने सामने, और साथ साथ बनाएंगे हम नोट्स। इज दैट क्लियर टू ऑल, ठीक है। सो इस बात के साथ शुरू करते हैं हम अपनी बायोटेक्नोलॉजी के साथ जर्नी ऑफ जूलॉजी। All right, I hope you have all those things with you, NCERTs, copies, highlighters, stick notes, ठीक है, चले।